नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आपके चहेते प्रोग्राम खबरें सोशल मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको 24 ऐसे तथ्य दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर गुजरात ही नहीं देश में किसी भी चुनाव में कांग्रेस का बंटा धार हो जाएगा। आप प्रॉमिस करें कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करेंगे। आप पहले शेयर करें फिर आगे बढ़े, क्योंकि घोटाले और संप्रदाय फैलाने की सरदार पार्टी को देश से बाहर निकालने का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है और देश हित में कांग्रेस मुक्त भारत बनाना जरूरी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज आपके सामने सोशल मीडिया के सौजन्य से 24 ऐसे पॉइंट बताएंगे जो कांग्रेस को बहुत और बहुत बीमार कर देगी। आज इस खबर मात्र से कांग्रेसियों का भी दिमाग बदल सकता है। अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं तो आज इसको देखने के बाद आप अपना फैसला बदल सकते हैं। ये बात हम हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों की आँख खुली है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जो कांग्रेस को खत्म कर देगी। सोशल मीडिया पर आता एक मैसेज कांग्रेस के लिए काल लेकर आया है। इसे पढ़कर राहुल बाबा की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इसको देखने वाले 80% लोगों ने कांग्रेस से नफरत शुरू कर दी। हम गुजारिश करते हैं कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अब कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और देश को आगे बढ़ाना है। चलिए देखिए क्या है वो 24 तथ्य। मैसेज में लिखा है, पुरानी कांग्रेस सरकार के लिए कुछ प्रश्न जो आपके दिमाग में होंगे। नंबर एक, यदि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया गया जबकि दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। नंबर दो, तथा कथित राष्ट्र का पिता मोहनदास गांधी ने ऐसा क्यों कहा, पाकिस्तान से हिंदू सिखों की लाशें आए तो आए, लेकिन यहाँ एक भी मुस्लिम का खून नहीं बहना चाहिए। नंबर तीन, मोहनदास करमचंद गांधी चाहते तो भगत सिंह जी को बचा सकते थे पर क्यों नहीं बचाया। नंबर चार, भारत में मुस्लिम के लिए अलग अलग धाराएं क्यों हैं। नंबर पाँच, ऐसा क्यों है कि भारत से अलग होकर जितने भी देश बने हैं सब इस्लामिक देश ही बने क्यों। नंबर छह, केरल में कोई रिक्शा वाला वाहन चालक हिंदू श्री कृष्ण जय हनुमान क्यों नहीं लिख सकता। नंबर सात, भारत में मुस्लिम 18% के आसपास हैं, फिर भी अल्पसंख्यक कैसे हैं जबकि नियम कहता है कि 10% के अंदर की संख्या ही अल्पसंख्यक है। नंबर आठ, कश्मीर से हिंदुओं को क्यों खदेड़ दिया गया जबकि कश्मीर हिंदुओं का राज्य था। नंबर नौ, ऐसा क्यों है कि मुस्लिम जहां 30-40% हो जाते हैं तब अपने लिए इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग उठाते हैं, विरोध करते हैं, अन्य समुदाय के गले रेतते हैं क्यों। नंबर 10, हिंदुत्व को सांप्रदायिक क्यों ठहराया जाता है जबकि इस्लामिक आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ने की अपील की जाती है। नंबर 11, हमारा देश ही दुनिया में एकमात्र देश है जो मुस्लिम को हज सब्सिडी देता है। 60 वर्षों में सरकार इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया क्यों। नंबर 12, भारत में मुस्लिमों के मदरसों के अनुदान हिंदू मंदिरों से आखिर क्यों। नंबर 13, कश्मीर में गीता उपदेश देने पर संवैधानिक अड़चने क्यों। नंबर 14, जामा मस्जिद के इमाम सैयद बुखारी ने एक बार कहा था कि वह ओसामा बिन लादेन का समर्थन करता है और ISIS का एजेंट है, फिर भी भारत सरकार उसे गिरफ्तार उस समय क्यों नहीं की। नंबर 15, पाकिस्तान में 1947 में 22.45% हिंदू थे, आज मात्र 1.12% शेष हैं, सब कहां गए। नंबर 16, मुगलों द्वारा ध्वस्त किया गया मंदिर सोमनाथ के जीर्णोद्धार की बात आई तो गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि यह सरकारी पैसों का दुरुपयोग है जबकि जामा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए सरकार पर दबाव डाला, अनशन पर बैठे। नंबर 17, भारत में 1947 में 7.88% मुसलमान थे, आज 18.80% हैं। इतनी आबादी कैसे बढ़ी। भारत में मीडिया हिंदुओं के संघ के खिलाफ क्यों बोलती है। नंबर 19, अकबर के हरम में 4,878 हिंदू औरतें थीं, जोधा अकबर फिल्म में और स्कूली इतिहास में इसे क्यों नहीं छापा जाता। नंबर
2020 बाबर ने लाखों हिंदुओं की हत्या की, फिर भी हम उसकी मस्जिद क्यों देखना चाहते हैं? नंबर 21 भारत में 80% हिंदू हैं, फिर भी श्री राम मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता? नंबर 22 कांग्रेस के शासन में 645 दंगे हुए जिसमें 32,427 लोग मारे गए, मीडिया को वो दिखाई क्यों नहीं देता? जबकि गुजरात में प्रतिक्रिया में हुए दंगे में 2,000 लोग मारे गए, उस पर मीडिया को इतना हल्ला क्यों? नंबर 23 67 कार सेवकों को गोधरा में जिंदा जलाया गया, मीडिया उनकी बातें क्यों नहीं करता? नंबर 24 जवाहरलाल नेहरू के दादा एक मुस्लिम गयासुद्दीन गाजी थे, हमें इतिहास में गलत क्यों बताया गया? आगे लिखा है, इसको इतना फैला दो कि हर हिंदुस्तानी सोचने को मजबूर हो जाए कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे और हिंदू देश के हर नागरिक का क्या दायित्व है। जय हिंदू जय भारत। और आगे लिखा है, जय श्री राम हर हर महादेव। ओनली न्यूज 24x7 सोशल मीडिया की ऐसी खबरें आप तक रोज पहुंचाता है। आपसे गुजारिश है कि हमें सहयोग करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो एडिटर पुष्पा चौधरी के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 टीम, दिल्ली। अभी सच को देखकर आपका हृदय परिवर्तन तो हो ही गया होगा। अब आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करके औरों के भी मन को बदलें। हम चाहते हैं कि ये वीडियो YouTube ट्रेंड पर हो और देश के हर फोन में इस देश के हित के मैसेज को पहुंचाया जा सके। ये ट्रेंड पर तभी आएगी जब आप इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। आपको सिर्फ एक टच या क्लिक करना है, बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप खुद देखेंगे कैसे फील होगा कि मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया की ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ऑल इन न्यूज 24x7 सच की तह तक।